लोगों के चेहरे पे खुशी दिख रही है और लोग काफी खुश हैं इस रास्तों पे चल करके। देखिए सब बहुत खुश हैं इस रास्तों पर चल करके। आप लोगों ने कमेंट किया था और पूछा था कि सोनपुर रेलवे ओवर ब्रिज चालू हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि इसका उद्घाटन तो लालू जी के जन्मदिन के दिन ही होना था लेकिन नहीं हो पाया और लोग जानना चाह रहे थे कि कंप्लीट होने के बाद ये पुल शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि ये पुल शुरू हो चुका है। अब एक लेन शुरू हुआ है कि दोनों साइड का लेन शुरू हुआ है वो आपको वीडियो में बताते हैं। फिलहाल ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हाजीपुर छपरा 4 लेन रोड है, दोनों तरफ का लेन, इसका मतलब यहाँ पर चारों लेन जो है कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जो लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जो नाम रखा है यहाँ का, वो रखा है यदुवंशी नगर गोलंबर। और ये सामने आप देख रहे हैं तस्वीर, गाड़ियाँ जा रही है ये आप देख सकते हैं। तो आप लोगों का कमेंट के अनुसार, मुझे ही पता नहीं था कि चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर आ गए पता करने के लिए। ये देख सकते हैं इधर से सोनपुर की तरफ से, हाजीपुर की तरफ से, वैशाली जिले की तरफ से गाड़ियाँ आ रही है। और ये आपका हाजीपुर छपरा 4 लेन रोड है, पहले ये वाला कंप्लीट था, गाड़ियाँ ऐसे जाती थी, लेकिन अब ये भी वहाँ तक कुछ दूरी तक चालू हो गया है और गाड़ियाँ और बसें अब इधर से आने लगी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो, पटना जाने वाले लोगों के लिए ऑटो की भी व्यवस्था यहाँ पे हो गया है। ऑटो से आप यहाँ पर रुक करके पटना जा सकते हैं दीघा सोनपुर ब्रिज की मदद से। इस जगह का जो नाम रखा गया, देखिए बस जा रहा है, ये सिवान वाला बस, ये पटना से होकर के आ रहा है। तो ये यदुवंशी नगर गोलंबर यहाँ पर आपका स्वागत करता है, ये आपका बन करके तैयार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कह रहे हैं बोर्ड दिखाइए, बोर्ड दिखे, बोर्ड दिखा दिए, ठीक है। और ये यहाँ से आपको गैंड्री भी लग गया है जिसमें आपको दीघा घाट 14 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। और 14 किलोमीटर की दूरी, आप 14 मिनट भी नहीं लगेगा आपको जाने में, ये आप समझ लीजिए। फुलवारी शरीफ 18 किलोमीटर, पटना 21 किलोमीटर, दानापुर 21 किलोमीटर, एम्स पटना 24 किलोमीटर, आरा 65 किलोमीटर, गया 135 किलोमीटर, पटना 21 किलोमीटर है यहाँ से। और जो ये रास्ता है वो आप 21 मिनट में पटना पहुँच जाइएगा, इतना बढ़िया रास्ता है। तो देखिए ये आपका खुल गया है, जेपी सेतु से होकर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, बड़ी गाड़ियों के लिए ये नहीं खुला है, ये आप देख सकते हैं। इधर से तो गारंटी ये कह रहा है कि आप यहाँ पे देखिए, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, हम विश्वास का सेतु बनाते हैं, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिल्डिंग ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये छोटे छोटे यहाँ पे जो डिवाइडर है घास है, इसमें पौधे अभी नहीं लगाए गए हैं, लगा देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जिस समय आप अलाइनमेंट तय करते हैं उसी समय से शुरू कर दीजिए रोड, पेड़ों को लगाना कम से कम, क्योंकि पेड़ कटते ही बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए बेला रेल पहिया कारखाना यहाँ से 19 किलोमीटर है, गड़खा 41 किलोमीटर है, छपरा 53 किलोमीटर है, सिवान 110 किलोमीटर है, हाजीपुर 9.4 किलोमीटर है, मुजफ्फरपुर 62 किलोमीटर है, समस्तीपुर 76 किलोमीटर है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आपका बन करके तैयार हो गया है, एकदम नया मार्ग, एकदम नया रास्ता, एकदम ये देखिए। तो लोगों के चेहरे पे खुशी दिख रही है और लोग काफी खुश हैं इस रास्तों पे चल करके। देखिए सब बहुत खुश हैं इस रास्तों पर चल करके। और ये 2-3 दिन पहले ही चालू हुआ है, जैसा यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2-3 दिन पहले ही चालू हुआ है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और हम आपको यहाँ से रनिंग शॉट भी दिखाएंगे, पूरा उस पार तक चलेंगे। हालांकि आपको अच्छा विजुअल तो नहीं दिखेगा, लेकिन रनिंग शॉट भी हम आपको दिखाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये जानकारी, आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट तो आप करते ही हैं और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, आप लगातार वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए भी, और सब चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तो इंसान का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। और यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं, अब इसका एक रनिंग शॉट आपको दिखाते हैं, गाड़ियाँ जो आ रही है जा रही है वो आपको हम दिखा देते हैं।
अब यहाँ से दीघा की दूरी 13, पटना की दूरी 20 और दानापुर की दूरी 20 हो गई है। अब यहाँ पर देखिए ये सब जो लगा हुआ था, जो यहाँ पर रखा हुआ था, अब ये हटा करके उस पर कर दिया गया है और दोनों तरफ की जो गाड़ियाँ हैं अब फराटे भर रही है, ये आप देख सकते हैं। तो यही है, खुश होइए, आप बिहार में है, खुश होइए कि आपके लिए एक नया मार्ग खुल गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को लाइक किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमें मिलता रहता है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।